हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का सेशन लेकर आ गया हूँ, जो डेली सुबह 7 बजे आपको मिलेगा। डेली सुबह 7 बजे आप लोग इस सेशन को प्रीमियर देख सकते हैं। आपका जो भी टाइम सूटेबल हो आप उस टाइम देखा करिए। लेकिन बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, कि जब भी आप किसी चीज़ को देखो, देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो मैं आपको आज के लिए आज का ज्ञान कह सकते हो या आज की बातें कह सकते हो, अगर आपको सही मायने में कोई चीज़ सीखनी है तो आपको बहुत शांत रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप, दलाई लामा ने यह बात कही है, जब आप बोल रहे होते हो तो आप वो चीज़ बोलते हो जो आपको पता होती है, और जब आप सुनते हो तो आप कुछ नया सीखते हो। तो इसीलिए आपको सुनना है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो स्टूडेंट लाइफ में आपको सुनना ज़्यादा है, और सुन के अपने देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे से ज़्यादा फ़ायदा कर रही है, उसको पढ़ के एग्जाम में यूज़ करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो देखिए करंट अफेयर जो है वो पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी हो सकता है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में भी हो सकता है। हर फॉर्मेट में मैं आपको सिखाऊंगा करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाता है। मैं आपको करंट अफेयर पढ़ने का थोड़ा तरीका बदलूंगा, ठीक है। चलिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका, एसएससी बैंक और रेलवे के एग्जाम में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कब हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कैसे और क्यों, हमें मतलब नहीं, कैसे और क्यों यूपीएससी क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, अभी बीच में ट्यूबरक्लोसिस की एक रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उस ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट को हमें स्टडी नहीं करना है, वो गवर्नमेंट का काम है। एग्जाम में पूछा सकता है कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता कब है, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है 24 मार्च को, ठीक है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे होता है। 2020 में इसकी थीम क्या थी, इट्स टाइम, और टीबी का जो कैंपेन था वो क्या था, टीबी हारेगा देश जीतेगा। अब ये जो मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी, मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो लिखा नहीं, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तुमसे अगर पूछेगा कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है तो तुम एग्जाम में क्या टिक करोगे, 24 मार्च। रिवीजन करना जरूरी है। डेली सुबह अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं और वीकली रिवाइज करते हैं तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा। करंट अफेयर स्कोरिंग होता है, ठीक है। 2020 की थीम क्या थी, 2020 की थीम थी इट्स टाइम, और टीबी का जो कैंपेन है इंडिया में वो क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो आपसे पूछ सकता है टीबी कैंपेन का नारा क्या था, टीबी हारेगा देश जीतेगा, और 2020 की थीम क्या थी, इट्स टाइम, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अगेन एक पैराग्राफ फॉर्मेट में हमें इंफॉर्मेशन दिया, अच्छा करंट अफेयर है, लेकिन पैराग्राफ फॉर्मेट में तो दिया हुआ है, लेकिन हम उसमें से क्वेश्चन बनाएंगे। यूनेस्को सबको पता ही है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपनी एक रिपोर्ट लॉन्च की जिसका नाम है जेम, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है। इसको 2020 में लॉन्च किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, देखो अभी आगे नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जेम रिपोर्ट कौन लॉन्च किया। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसने लॉन्च करी, तो आपका आंसर क्या होगा, यूनेस्को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसने लॉन्च करी, तो आपका आंसर क्या होगा, यूनेस्को। इसका अगर यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे एजोले। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूनेस्को ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, तो आपके आंसर करोगे जेम, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे एजोले, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट, अबाउट इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी अभी एक्चुअली देखो IMF आए दिन किसी न किसी को लोन देता रहता है, ठीक है। IMF का काम ही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लोन देना, ठीक है। तो वो लोन देता रहता है, और जो जितना भी ये लोन देता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि IMF कैसे बना। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है ना, स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं तो दो तरह की पढ़ाई होती है। एक तो वो होता है कि जैसे उन्होंने पढ़ लिया कि हाँ चलो ठीक है, IMF नाम सुन लिया कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या करता है, बट क्यों बना, किस लिए बना, क्या रीजंस थे, लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, क्या रीजंस थे, क्या चीज़ें थी, तो ये सब आपको हिस्ट्री में पता चलेगा। इसलिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री सब कुछ बताता है कि आज ये चीज़ आपके सामने है तो क्यों है, क्या ज़रूरत थी इसकी, ठीक है। इसके बिना भी तो काम चल रहा था। तो हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री एक सीधी लाइन वाला सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री एक नेटवर्क है, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो इसी चैनल पर मैं आपको हिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को कनेक्ट कर ले गए ना, तो बिलीव मी उससे ज़्यादा मज़ा आ ही नहीं सकता किसी और सब्जेक्ट में। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको लिटरली बताएगा कि अगर आपने आज जीन्स पहनी है तो वो जीन्स भी क्यों पहनी है, क्या रीजंस थे कि जीन्स का आविष्कार किया गया। जीन्स हर चीज़ आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हर चीज़ का कारण होता है। चलिए वो तो अलग बात हो गई, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड,
इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था, तो आपका आंसर क्या होगा? 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जाम में पूछा सकता है कब बना था। तो देखो अब अभी इसने किसको लोन दिया है, ये हमेशा लोन देता रहता है, ठीक है। अगर इंडिया से रिलेटेड कहीं लोन दिया है तो वो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में किस स्टेट को किस कार्य के लिए कितना लोन दिया है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज किसी दूसरी कंट्री को लोन दिया है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बना था? 27 दिसंबर 1945 को। करंट में हमने थोड़ा स्टैटिक भी मिक्स किया। हेडक्वार्टर क्या है? वॉशिंगटन डीसी। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। चीफ इकोनॉमिस्ट क्या है? गीता गोपीनाथ। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बार मत पढ़ा करिए, उसको बार बार पढ़ा करिए। बार बार पढ़ने से क्या होता है? याद हो जाता है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे, देखो ब्रेन का ये फंडा है, जब किसी चीज को बार बार पढ़ोगे तभी दिमाग में बैठेगी। अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था अभी, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। एक्चुअली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितनी भी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड का मैप उठाना, वर्ल्ड के मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितनी भी कंट्रीज हैं उन पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि क्या हम उन डायरेक्ट रेज का यूज करके सोलर एनर्जी को स्टोर करके, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस जो भी हो रही है उससे हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सकती है। देखो आप सबने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, वर्ल्ड के मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो जो कंट्री पास कर रही है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर आती है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप कह दो डेनमार्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर आएगा, डेनमार्क इतनी ऊपर है वहाँ ठंडी होती है, वहाँ वो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो गर्म प्रदेश है, इंडिया भी आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, क्योंकि इंडिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंडर में आता कौन कौन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं, ठीक है। सारी कंट्रीज का नाम एक बार देख लेना। डायरेक्टर जनरल कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में गुरुग्राम हरियाणा हेडक्वार्टर इसका, ठीक है, इंडिया में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके अगर हम लोग बात करें हेडक्वार्टर, तो वो आप लोगों ने देख लिया गुरुग्राम हरियाणा में। इसका भी नेशनल थर्मल पावर NTPC के साथ कुछ पैक्ट हुआ था, वो पैक्ट हमें जानने की जरूरत नहीं है। NTPC के बारे में आप लोग जान सकते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है गुरदीप सिंह, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और उसमें माली भी इन्वॉल्व था उस पैक्ट में। तो माली की कैपिटल है बमाको, माली के प्रेसिडेंट है इब्राहिम बोबकर कीता, प्राइम मिनिस्टर है बबू सीसे, करेंसी है CFA फ्रैंक। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, NTPC के बारे में बता दिया, और बमाको रिपब्लिक ऑफ माली के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन क्रिकेट कैप्टन क्लेयर कनॉर बिकम्स फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो क्लेयर कनॉर है वो किस खेल से संबंधित है, क्लेयर कनॉर संबंधित है वुमेन क्रिकेट से, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च की है, ठीक है, टू ऑर्डर ब्लड। तो बस इतना एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा ई ब्लड सर्विस किसने लॉन्च करी है, तो दो नाम याद रखना, हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने मिलकर किया, हेल्थ मिनिस्ट्री और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने मिलकर ई ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया, जिसमें आप ब्लड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो एग्जाम में बस ऐसे ही पूछेगा ई ब्लड सर्विस किस ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो दो नाम याद रखना। मैं आपसे वही बात बार बार कह रहा हूँ, कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमारा ये UPSC का क्वेश्चन है, डिटेल में चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है, आपके पास टाइम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और उसी को बार बार देखते रहना आ जाएगा। अब कुछ डेज के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयरर 25 जून को है, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर। आपको पता ही होगा कि सी फेयर क्या है, मैरिटाइम से रिलेटेड है ये लोग, ठीक है। वैसे याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर कब होता है, 25 जून को। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दो, क्योंकि सी फेयर के बारे में आया तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा। IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में है, और सेक्रेटरी जनरल कौन है, किटैक लिम, ठीक है। ये सब याद करने वाली बातें, इनको याद ही करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करोगे तब अपने आप याद हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बार देखा भी हुआ होता तो एग्जाम में ऑप्शन देख के याद आ जाता है। वर्ल्ड विटिलुगो डे होता है 25 जून को। अब ये विटिलुगो क्या होता है, तो पहले तो याद कर लो, वर्ल्ड विटिलुगो डे होता है 25 जून को, तीन बार बोलो अपने आप याद हो जाएगा। वर्ल्ड विटिलुगो डे होता है 25 जून को, वर्ल्ड विटिलुगो डे होता है 25 जून को, वर्ल्ड विटिलुगो डे होता है 25 जून को, बस
यही ब्रेन का तरीका है यार चीजों को याद करने का। आगे बढ़ते हैं। अब विटिलिगो क्या होता है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, उनके चेहरे पे सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, तो उसी बीमारी को विटिलिगो कहते हैं। और ये लाइलाज है, खाने की हैबिट को चेंज करके ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती है। ठीक है, तो विटिलिगो आपको समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा वाइट पैचेस जो होते हैं, सफेद दाग। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, ठीक है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम किसने लॉन्च करी है, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। देखो पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मैं इसीलिए कहता हूँ ना करंट अफेयर हमेशा पैराग्राफ में पढ़ा करो, जब बहुत सारे लोगों की आदत होती है करंट अफेयर को उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ने की। एमसीक्यू के फॉर्मेट में कभी मत पढ़ा करो, एमसीक्यू बनाया करो, एमसीक्यू बना बना के पढ़ा करो, क्योंकि अगर तुमने एमसीक्यू पढ़ा तो तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट जान नहीं पाओगे, और जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं जानोगे आंसर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन घूम भी सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। दूसरा, ये करेगी क्या इसकी, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टेटिंग वुमेन है इनको न्यूट्रिशन किट, न्यूट्रिशन किट मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन को खाने पीने की जरूरतें होती हैं पाल पोषण की, ठीक है, तो उसके लिए वो न्यूट्रिशन किट उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो त्रिपुरा के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी है, वैसे मैं अलग से बना दूंगा नेशनल पार्क और इसके ऊपर। त्रिपुरा में नेशनल पार्क है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सेफिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बट स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसे स्टूडेंट याद तो कर लेते हैं लेकिन पता है भाई पता दिक्कत क्या, आप लोग पेपर को एनालाइज नहीं करते हो। आपको लगता है कि टीचर ने बोल दिया कि नेशनल पार्क याद कर लो, तुमने याद कर डाले। समझना, देखो बिल्कुल भी इसको अपने पर्सनल लेने की जरूरत नहीं, कभी बार क्या होता है मैं कुछ बोल रहा हूँ स्टूडेंट पर्सनल ले लेता है, ऐसा पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। पहले समझो, मैंने तुमको बोला नेशनल पार्क याद कर लो, लेकिन एग्जाम में पता क्या होता है, एग्जाम में वो पूछ देगा कि किस पहाड़ी पर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछ लेगा। अब तुमको ये तो पता है कि नेशनल पार्क कौन किस स्टेट में किस पहाड़ी में, ये नहीं पता। तो बात समझ रहे हो, इसीलिए जब कहता हूँ जब भी कोई चीज पढ़ा करो ना तो उसको ओवरऑल पढ़ा करो, ये कोई पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ा कि पेपर में क्वेश्चन आया, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नेशनल पार्क का नहीं था। पेपर में कभी क्वेश्चन ऐसे आता भी नहीं है कि इस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, बिलीव मी ऐसा क्वेश्चन बहुत ही एकदम लो लेवल के एग्जाम में आएगा, ऑफिसर लेवल के एग्जाम में तो ये पूछेगा ही नहीं कि नेशनल पार्क किस स्टेट में है। ठीक है, तो एग्जाम में घुमा फिरा के ज्योग्राफिकल लोकेशन, वहां का कौन सा पक्षी पशु, वहां का क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा घुमा फिरा के पढ़ा करो तब समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम लॉन्च करी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। YS जगनमोहन रेड्डी, नाम सुनते ही पता चल गया होगा, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है। YS जगनमोहन रेड्डी ने कपू नेष्ठम स्कीम लॉन्च करी, तो कपू नेष्ठ पहला क्वेश्चन बन गया, कपू नेष्ठम स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च करी है, तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करी है। बात समझ में आ गई, तो YS जगनमोहन रेड्डी का नाम आया है तो वो आंध्र प्रदेश के सीएम है, तो कपू नेष्ठम स्कीम है, कपू नेष्ठम स्कीम किसने लॉन्च करी है, आंध्र प्रदेश के सीएम ने, आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। वैसे क्वेश्चन यही आएगा आंध्र प्रदेश में कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है। अब इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर आपको 75,000 रुपीज की 5 साल के लिए, ठीक है, 15,000 पर एनम, 15-15 तो हर एक साल में आपको 15,000 रुपए मिलेंगे, जो भी वुमेन होंगी कापू कम्युनिटी, ठीक है, कापू कम्युनिटी एक है वहां की वुमेन को हर साल 15,000 रुपए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती, चीफ मिनिस्टर कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब कुछ एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, देखें आपको एमसीक्यू आते हैं कि नहीं। गोथन न्याय योजना जिसमें हम काउ डंग जो है वो कैटल ओनर से लेंगे, मतलब विच इंडियन स्टेट हैज अनाउंस द गोथन न्याय योजना टू प्रोक्योर काउ डंग फ्रॉम कैटल ओनर्स। जो भी कैटल के ओनर्स हैं, जो भी पशुओं का पालन करते हैं, उनसे हम गाय का गोबर लेंगे, ये गोथन न्याय योजना का प्लान है। ये कौन से स्टेट में है, तो छत्तीसगढ़ में, याद रखना छत्तीसगढ़ में। आपको एग्जाम में इतना याद रखना है कि गोथन न्याय योजना छत्तीसगढ़ में क्या है, वो मैंने बता दिया है कि जो भी पशुपालन करने वाले हैं उनसे गाय का गोबर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो किस स्टेट में लॉन्च हुआ है, छत्तीसगढ़ में।
मैं इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन को मिक्स करके पढ़ा करो, पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी पढ़ो, एमसीक्यू के फॉर्मेट में पढ़ो, घुमा फिर आगे पढ़ो, यही तो प्रिपरेशन का मतलब है। व्हिच स्टेट हु हैज लॉन्च्ड अ बिहेवियर चेंज कैंपेन नेम्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल किसने लॉन्च किया है कैंपेन, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप याद कर लेना। कौन सी कंट्री तुम्हारी फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 लॉन्च होस्ट करेगी, इसका आंसर जरा कमेंट में करके बताना। ठीक है, कि विच कंट्री विल होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023, 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज के करंट अफेयर पसंद आए होंगे। डेली सुबह 7 बजे लाइव मैं यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जहाँ जहाँ जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो, जिस भी फेसबुक ग्रुप में हो, जहाँ पर भी हो, वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा लोग बोलो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ना, वो बहुत एग्जाम रेलेवेंट है, जो एग्जाम में आपको फायदा करेगा। तो इस चैनल पे अगर आप जुड़े रहेंगे तो इस चैनल पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो जो आपके लिए एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो आप हाँ फील करेंगे, हाँ सर ने बताया था वो आया। ठीक है, चलिए तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट 28 जून को। ठीक है, थैंक यू।